अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस रुबा हियर। सो फर्स्ट क्लास आज हमारी साइंस की है, तो साइंस में हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम रीडिंग किया था वही हमने कॉपी वर्क करना है। सो कॉपी ओपन करें, अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सो क्लास आप सब लोग ओपन करें साइंस की कॉपी। आज हम प्लांट्स एंड एनिमल्स का कॉपी वर्क करेंगे। जो कल हमने रीडिंग किया था उसी से रिलेटेड हम कॉपी वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टेशनरी चेक कर लेते हैं हम। पेंसिल, ब्लू कलर, स्केल, इरेजर एंड शार्पनर। स्टेशनरी हमारे पास मुकम्मल होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सो कॉपी ओपन करते हैं। लास्ट वर्क हमने ये किया था, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसमें जस्ट टू हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर हमने लिखने हैं, ठीक है। तो पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे आप, वन फिंगर का स्पेस देकर लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट पेज पे भी करेंगे, ठीक है। मैं तो टू पेजेस पे कर रही हूँ, आप लोग बेशक पहले एक पेज पे कर लें, नेक्स्ट पे बाद पे कर लीजिएगा, मुझे पता है क्योंकि मेरा काम नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा। ओके, ब्लू कलर एंड स्केल लें, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें। सो क्लास आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम डेट राइट करेंगे। तो अपने हैंड में आप लोग पेंसिल लें और सबसे टॉप पे डेट राइट करें, 22/7/2020 वेडनेसडे। CW ओके। सो अब ब्लू कलर लें अपने हैंड में और यहाँ से वन फिंगर गैप देकर यहाँ सेंटर में हम लिखेंगे एक्टिविटी। ओके, आप लोग वन फिंगर का दे दें, मैं यहाँ ज़रा ज़्यादा दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी चाहें तो दो टू फिंगर्स का गैप दे सकते हैं। एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब ये कि टू क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से, जो मैं लिखवाऊंगी उस पर बेस करते हैं जो हमने लास्ट रीडिंग की है अपनी, ठीक है। तो ब्लू कलर से ही हम लिखेंगे नंबर वन। ओके, अब पेंसिल ले लें अपने हैंड में। तो पहली एक्टिविटी है हमारी, यहाँ क्या पूछा गया है, राइट डाउन वन फिंगर गैप आपको पता है ना हम देते हैं, द राइट डाउन द नेम्स NAMES नेम्स ऑफ पेट PET पेट एनिमल्स। ओके, तो पहले हमें एक्टिविटी में कहा गया है राइट डाउन द नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स के नेम राइट करने हैं आपने। सो आप लोग ब्लू कलर लें और ब्लू कलर से यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। पेट एनिमल्स के नेम राइट करने हैं हमें, 1, 2, 3। अब देखें मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रही, तो मैं यहीं पर आगे 4, 5 लिख दूंगी, लेकिन आप लोगों ने लाइन से लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे पेजेस, इस पेज पे आपको नज़र आ रही होगी बहुत ब्रॉड लाइंस है ना, बहुत चौड़ी हैं, तो आप लोग की तो यहाँ स्पेस होगी, आपने 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से लिखना है। ओके, सो पहला पेट एनिमल लिखते हैं हम, पेट मीन पालतू जानवर, बताया था ना मैंने आप लोगों को कल रीडिंग में। नंबर वन है पैरट, PARROT पैरट। नंबर टू रैबिट, RABBIT रैबिट। नंबर थ्री कैट, CAT कैट। नंबर फोर फिश, FISH फिश। नंबर फाइव डॉग, DOG डॉग। तो ये थे 5 पेट एनिमल्स।
पैरट, पैरट मीन तोता, रैबिट, रैबिट मीन खरगोश, कैट, कैट मीन बिल्ली, फिश, फिश मीन मछली, डॉग, डॉग मीन कुत्ता। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर वन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक्टिविटी नंबर टू करते हैं। सो क्लास नेक्स्ट पेज ओपन किया, आप लोग को लाइन नज़र आ रही है, मैंने पहले ही लाइन ड्रॉ कर ली थी। अगर आप लोग भी नेक्स्ट पेज में गए हैं तो ब्लू कलर एंड स्केल से लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद पेंसिल लें अपने हैंड में और डेट राइट करें। सबसे पहले Wednesday, CW। सो अब ब्लू कलर लें और ब्लू कलर से यहाँ लिखेंगे टू। ओके, अब एक्टिविटी नंबर टू में क्या सवाल किया गया है देखते हैं। पेंसिल ले लें अपने हैंड में, राइट डाउन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जैसे मैंने आपको बताया था, जंगली जानवर, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं, ये भी हमने रीडिंग की थी। तो एक्टिविटी नंबर टू में कह रहे हैं राइट डाउन द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखें। तो आप लोग ब्लू कलर लें अपने हैंड में, नंबरिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री, ये भी हम जस्ट फाइव ही लिखेंगे। ओके, फोर, अब देखिए मेरा एक नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फाइव, वन के सामने बिल्कुल। ओके, अब पेंसिल ले लें अपने हैंड में, नंबर वन लॉइन, LION, लॉइन। नंबर टू क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। नंबर थ्री डियर, DEER, डियर। नंबर फोर वुल्फ, WOLF, वुल्फ। नंबर फाइव टाइगर, लॉइन, लॉइन मीन शेर, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन मगरमच्छ, डेयर मीन हिरन, वुल्फ मीन भेड़िया, टाइगर मीन चीता। तो ये हो गए हमारी, ये हो गई हमारी टू एक्टिविटीज़, आप लोग देख रहे हैं। सो अगर आप लोग वाइल्ड एनिमल्स में मैंने जो नेम लिखवाए हैं फाइव, इनमें से अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं कि अगर आपको क्रोकोडाइल की स्पेलिंग हार्ड लग रही है तो आप कोई और वाइल्ड एनिमल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वुल्फ याद नहीं रहा तो आप कोई और वाइल्ड एनिमल लिख सकते हैं। इसी तरीके से पिछले पेज पे, इस पेज पे जो आपने पेट एनिमल्स लिखे हैं, आप लोग को अगर इनके अलावा भी पेट एनिमल्स पता हैं और आपको ईजी स्पेलिंग लगती है वो, तो आप लोग पेपर में वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, और वही याद कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टू एक्टिविटीज़ डन। आज का हमारा क्लास वर्क यहीं पर एंड होता है, आप लोगों ने अच्छे से ये याद भी कर लेना है, ठीक है। मैं आज आपको लर्निंग के लिए भी दे रही हूँ, ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से काम करें और फिर इन दोनों को याद कर लीजिएगा। अब कॉपी को क्लोज़ कर लें। सो क्लास, आई होप आप लोगों ने काम कर लिया होगा, जो मैंने आप लोगों को पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स लिखवाए हैं आप लोगों ने वो याद भी करने हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने कॉपी वर्क किया है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इसे याद भी करना है। और दुआओं में सरूबा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।